तो अभी अपन पहुंच चुके हैं जस्ट मंदिर के पास और मेरे पीछे देख सकते हैं आप लोग पहाड़ है बहुत ही ऊंचा और मंदिर भी जो है वो पहाड़ के ऊपर ही है तो हमें थोड़ा सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, कष्ट भले करना पड़ेगा और माता रानी का बुलावा है, माता के दर्शन के लिए हम लोग कहीं भी चल सकते हैं। तो स्टार्ट हो चुका है हमारा सीढ़ी चढ़ना, मजा आ रहा है। थोड़ा ये डोंगरगढ़ से कम सीढ़ी है, इतनी ज्यादा नहीं है, आराम से 800 है, डोंगरगढ़ में 2000 है, तो डोंगरगढ़ में ज्यादा है, पापा बोलते उतनी नहीं है भैया, जितना आधा पहुंचते ना उतने में यहाँ पहुंच जाएंगे, पर डोंगरगढ़ में यहाँ से ज्यादा है। डोंगरगढ़ ऊंचा पहाड़ है ना, वो तो और ही बहुत बड़ा पहाड़ है, ये तो वैसे हमको दूर से भी दिख रहा था। यहाँ पे रास्ते में हमें शिव जी का मंदिर पड़े, जय भोलेनाथ। मजा आ रहा है, इतने दिनों बाद इतनी सीढ़ी चढ़ूंगा, मैं इतनी सीढ़ी घर में नहीं चढ़ता अपनी, मैं कभी कभी नीचे जाता। हाँ मैं क्या करता हूँ पता है, मैं सीधा डबल ट्रिपल सीढ़ी कूद देता हूँ, फिर से बाद नीचे पहुंच जाता हूँ। यहाँ पे बजरंग बली, जय श्री राम। और देखिए गाइस पीछे सीढ़ी का व्यू भी बढ़िया आ रहा है। अरे यार बाजू देखना साइड में टाइप का पहाड़ है, तो चलो उधर चलते कूद के, चल चल जा बाहर जा। घिसराते हुए पूरा घिसरा जाएगा कुछ। वाह गाइस बेबी थक गई, 100 कर दियो फोन, यहाँ पे 101 101 सीढ़ी चढ़ चुके हैं अपन, अभी इतनी जल्दी चढ़ लिए कभी जहर। तो अब करीब 200 सीढ़ी हम लोग चढ़ चुके हैं, देखिए मम्मी की हालत टाइट हो रही है, थक गई मम्मी, रुक जाओ यार रुक जाओ। गाइस यहाँ पे दो दो सीढ़ी है, ये जो सीढ़ी आप देख पा रहे हैं ये पुरानी थी जो कि अभी खतरनाक है और बंद हो चुकी है, यहाँ से एक नया सीढ़ी भी बना है। और व्यू देखो यार उस पहाड़ के ऊपर, वो क्या चीज है, कुछ दिख रहा है ना, डरावना लग रहा है ना, कोई खड़ा फूट टाइप को लग रहा है, डरावना लग रहा है गाइस, देखो सही में मजाक नहीं कसम से दिख रहा है। अपन पहुंच चुके हैं 300 सीढ़ी पे, क्या मस्त व्यू आ रहा था। ये देखिए यहाँ पे कितने सारे शॉप्स हैं, रास्ते में ऐसे शॉप्स भी मिल जाते हैं यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। सीढ़ी को बहुत ही बढ़िया डिजाइन किया गया है, पूरी स्लोप है, खड़ी नहीं है, नंबर लिखी हुई है, ये बढ़िया है। डोंगरगढ़ पे लिखी रहती है पर मिटल जाती ना, वहाँ बहुत लोग आते ना इसलिए 400 चल दिया अपन। अभी एक बार और 400 चढ़ना है हमको, समझ में नहीं आ रहा पर चल लेंगे, आसानी से पहुंच जा रहे हैं, पर अगर डोंगरगढ़ पे चलते ना तो बहुत दिक्कत होता है। आज 712 सीढ़ी चढ़े हैं हम लोग और यहाँ पे थक गए, फिर बस मंदिर अपन पहुंच चुके हैं, मंदिर तक के हो जाएगी हमारी पूरी 800 सीढ़ी कंप्लीट, 800 सीढ़ी, वाह मजा आ गया। 750 सीढ़ी चढ़ चुके हैं अपन और सामने हमारे मंदिर भी मिल गई, लास्ट सीढ़ी हमको लगता है कि 800 ही आएगा और चलते हैं। जय खल्लारी माँ, जय माता दी, वाह कितना सुंदर टाइल्स लगा यार, बहुत ही सुंदर मंदिर सजाए हैं, पता है नवरात्रि के टाइम पे आता होगा ना भीड़ बहुत, हाँ नवरात्रि के टाइम पे गाइस माता रानी के मंदिरों में बहुत सारे बहुत ज्यादा ही भीड़ होती है, भक्तों की तादाद बढ़ जाती है, और हमारे डोंगरगढ़ में तो बहुत ही ज्यादा, उसमें तो मेला लग जाता है। 800 सीढ़ी यहाँ पे हुआ है, 800 सीढ़ी, ये कितना और है रनु, ये क्या बैठ रही है तू, ये तेरे सोने की जगह है। और ये देखिए व्यू बेबी, घंटा नीचे, इसका मतलब ये नहीं कि तू जोर से बजाए। ये देखो गाइस हम लोग इतना ऊपर चढ़ के आए, बहुत ही सुंदर व्यू देखने को मिला हमें, आजू बाजू हमारे बहुत सारे पहाड़ है। तो चलिए वो घड़ी आ चुकी है जब हम आपको माता के दर्शन करवाने वाले हैं, इतने दूर सीढ़ी चढ़ के 800 करीब, उसके बाद हम पहुंच गए हैं यहाँ दर्शन के लिए मैया के, बहुत ही बड़ा और विशाल मंदिर है पहाड़ के ऊपर बना हुआ डोंगरगढ़ जैसे, और माता के दर्शन कर सकते हैं,
भीड़ तो देखिए गाइस इतनी ज्यादा, हमारे साथ साथ बहुत सारे लोग चल रहे थे, तो लाइन से चलते अपन कोरोना का भी ध्यान रखते हुए। यहाँ पे बोर्ड्स भी हैं, आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हो। चलिए हाथ लगा लेते हैं प्रसाद में, आप भी लगा लीजिए और अपनी मन्नत को मांग लीजिए। तो चलिए अब कराते हैं आपको माता के दर्शन। देखिए दोस्तों खल्लारी माता, बहुत ही सुंदर मूर्ति है माता की, छोटी सी प्यारी सी। जय माता। बाजू में बजरंग बली भी दिख रहे हैं, प्रसाद देते हैं और एक बार माता को आप अच्छे से देखिए और दर्शन कर लीजिए। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, प्रकट स्थल माँ खल्लारी देवी। यहाँ पे माता खल्लारी देवी प्रकट हुई थी, यहाँ पे उनके लिए एक स्थल बना दिया गया है। तो चलिए दोस्तों दर्शन हो गए, कैसा लगा आपको? आप चलते हैं। वाह यार इतने सारे स्थल है यहाँ पे घूमने के लिए। देखिए हम लोग अभी माँ खल्लारी माता के अंदर मंदिर के अंदर, यहाँ से हम लोग जा सकते हैं भैरव बाबा मंदिर इधर, बहुत जगह यार घूमने के लिए। चलो घूमते हैं और आपको दिखाते हैं। अभी तो अपन नीचे जा रहे हैं, क्या सुंदर व्यू आ रहा है, पहाड़ पे हैं हम लोग ऊपर टॉप पे। आई जबरदस्त गजब व्यू यार, गजब व्यू, गजब व्यू है यार दोस्तों। कैसा व्यू लग रहा है एक बार कमेंट करके बता देना, आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। यहाँ पे है जय भैरव बाबा, हाँ भैरव बाबा है। यहाँ पे क्या है, भीम चूल जाने का रास्ता, भीम चूल है इधर, भीम चूल। हेलो 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 गाइस, वाव पहाड़ पे बीचों बीच बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को, इतना सुंदर व्यू आ रहा है यार, फोटो ले मैं सिंगर जबरदस्त व्यू है ऊपर में, डिजाइन ही डिजाइन रोशनी की, मजा आ रहा है यार पत्थरों के ऊपर, पत्थरों के बीच में कति जहर व्यू है। चलो 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 इधर जाने, इधर जाने, यहाँ पे भी छोटी गली है। अरे यार इतने सगरी गली से, वाह इधर से हम लोग कैसे जाएंगे मम्मी, आप तो बिल्कुल ही नहीं जा सकती इधर से। चलो 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 रुको, अरे अपन पूरा दब गए, चलो निकल चुके हैं अपन, अभी आराम से सीढ़ी है, पूरी सीढ़ी है गली, बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा है। यहाँ पे भालू दिखेगा, अरे यहाँ पे भालू दिखेगा बोल रहे हैं, अगर भालू दिखा तो भाग भी नहीं पाएंगे इतना तेजी से। तो चलो चलो चलो, बेबी तो आगे, ये देखो कितनी छोटी सी व्यू है यार, चलो आराम से उतर बेबी मेरे पास। अरे यार क्या बढ़िया है, बेबी आराम से यार रुक जाओ, आराम से उतरो, तुम सब लोग कैसे कर रहे हो। अरे यार गाइस यहाँ पे तो कोई भी नहीं आ पाएगा, मैं जाके देखता हूँ इनका क्या है, इधर कुछ दिख रहा है। यहाँ पे है कुछ गाइस, यहाँ पे हम लोग अजीब से टेढ़ा हो गए और यहाँ पे अपन कहाँ कहाँ आ गए। यहाँ पे है मंदिर, यहाँ पे है मंदिर, यहाँ
जय दंतेश्वरी माता मैया। जय दंतेश्वरी मैया। एक कैसी कैसी गुफा है, अपन पूरा गुफा में घूम रहे। तू कहाँ जा रही है अब? हाँ उतर, वहीं से उतरना है, यहीं से उतरना है। अजीब हो आप भी। अब हमें और उतरना है जहाँ पे वहाँ हमें बोला गया था कि यहाँ से हमको उतरना है, मतलब चप्पल यहीं उतार दो, आपको उतरना होगा। तो यहीं से हम लोग उतर रहे हैं। हाँ यार, ऐसा एडवेंचर, मजा आ गया यार, इतने दिनों बाद देखने को मिला है, कहीं नहीं देखे ऐसा एडवेंचरस व्यू। क्या हुआ? ये वही रास्ता है, वो देख वहाँ पे देखो लाइन दिया है। रुको मैं देख के आता हूँ। चलो बेबी, अगर ये रास्ता नहीं होगा तो यहाँ से वापस आ जाएंगे अपन। पर मजा तो आ रहा है ना, पापा को भूख लग रही है ना, इसलिए चिड़चिड़ा रहे हैं। ये रास्ता अलग ही है यार, खाना लेके आए हो ना। देखो सामने, देखो यहाँ पे पहाड़ी पहाड़। माता हमको कहाँ कहाँ घुमा रही है, पर हमको बहुत मजा आ रहा है माँ के रास्ते पे चलने पे। बड़े ना, इसलिए नीचे देख के चलो। आपके पैर बहुत चिकने हैं महाराज जी, इसलिए स्लिप कर रहे। आप एकदम घराने में रहने वाले और गड़ने वाले। वाओ टूरुला, उतर गए उतर गए उतर गए उतर गए। जल्दी चलो, मेरे को ज्यादा थड़बड़ी हो रही है। ये देखो, अब बताओ इतने सुंदर व्यू है। अभी हम लोग बेबी गिर रही है, इधर आ। ढलान हो रहा है पूरा इधर तो। यहाँ पे मंदिर है, मंदिर है यहाँ पे, मंदिर है यहाँ पे, लिखा है मंदिर। माता गुफा, माता गुफा बस। अपन निकल गए, अभी बाहर आ। अबे दो ठो के यार, बापरे छिपकली गिर गई थी पापा के पैर पे। गाइस देखो, मम्मी रन्नू आ ही रहे हैं। और यहाँ का व्यू इतना सुंदर है, मैं क्या बताऊँ आपको। बहुत ही सुंदर व्यू, अति उत्तम, अति सुंदर। मम्मी को लग रहा है कि मम्मी वहाँ से, यहीं से रास्ता है, पर पापा को लग रहा है वहाँ से हमको कहीं और से जाना था। अरे जहाँ से भी होगा भोगा ना, पर यहाँ का व्यू एंजॉय करो सबसे पहले। आप ही व्यू एंजॉय करो गाइस, आप ही के लिए तो आए हैं, मजेदार एकदम घूमने के लिए। पत्थर भी कुछ अलग है, वाह पहाड़ के पत्थर है। तो चलो गाइस, अब अपन नीचे जा रहे हैं। यहाँ पे क्या है? मोर भालू चीता और हाथी, ये हमारे जीवन के साथी। गाइस आप देख सकते हैं एरिया बहुत खतरनाक है, अगर हाथी फिसल गए हाँ जीस अलग फटेगी और चोट अलग लगेगी। हाँ तो साला सब फट जाएगा। यहाँ से दौड़ते हुए तो बिल्कुल नहीं आने, आराम से आ रहे हैं अपन। अगर फिसल गए आप तो भीम का पाओ। कहाँ पे है भीम का पाओ? ये पानी कैसे आया यहाँ पे? कहाँ पे भीम का पाव है? ये भीम का पाव है, ये तो पानी है, ये तो भीम का पाव। कितना गहरा है ये, बाप रे इतना पानी रहेगा, बहुत गहरा है गाइस, डूब नहीं जाना वरना हो जाएगा फिर। और यहाँ का व्यू भयंकर भयंकर। कहाँ चलो यार, इतना सुंदर व्यू मैं क्या बताऊँ यार, इतना सुंदर व्यू है। ढलान है बाप रे, पता ही जहर है, पता है एकदम खाटी भयानक है। आओगे तो एकदम थोड़ा संभल के आना, वरना फिर तो रॉक क्लाइंबिंग का पूरा फील आ गया और पूरा एडवेंचरस है ये पूरा, पता है खयान एकदम मजेदार भयानक। अगर आपको आना है ना तो यहाँ पे भी आना जरूर। तू क्या बोल रहा था? बताओ कुछ भी बोलते हो, इसको नाला बोलते हैं गंदे बच्चे लोग, गंदे बच्चे एकदम। बाप रे अपन, ये देखो यही रास्ता है, मम्मी सही बोली थी, पापा आप बोलो।
वहाँ से फिर नीचे पहुँच जाते आप डायरेक्ट नीचे। नहीं ज्यादा ग्रिगेट है ना यहाँ पे, मैं क्या बताऊँ आपको। ठीक कर ली, यहाँ पे भी है पिकनिक स्पॉट व्यू टाइप का, देख लो एक बार मेरे पीछे कैसा आ रहा है व्यू, बढ़िया। चलो फिर चलते हैं आगे, सबको अभी भूख बहुत लगी है क्योंकि बहुत देर से घूम रहे और ज़्यादा कुछ खाए नहीं है अपन। कारी कार में बहुत लंबा सफ़र किए, पूरा दुर्ग से अपन आए हैं महासमुंद, और महासमुंद से करीब 20-24 किलोमीटर और आगे हम लोग आए हैं खल्लारी देवी माता मंदिर। तो चलो चलते हैं, यहाँ से कैसे जाएंगे, यहाँ से कैसे जाएंगे, उधर मतलब पैर फिसलेगा। नहीं जा रहा हूँ, उधर नहीं जा रहा हूँ, जाते पहले करना। व्यू कतई जहर बोलो भैया जी। मम्मी क्या मस्त एडवेंचरस क्यों है यार इतना, इधर जाएगा कतई जहर आ हिट जबरदस्त जबरदस्त गजब पापा आ जाओ। टेढ़ा होके चलो यार, फिसल जाओगे वरना इधर फिर हो जाएगा पापा करेगा। क्या मस्त वीडियो बन रहा है आज, सब व्यू ही जबरदस्त हो गया। एक शॉर्ट सा वीडियो मजा आ गया यार, आज का वीडियो तो एकदम जबरदस्त बना है। आप तक बस जल्दी से आए और आप देख लो, मजा आ जाए मेरे को तो। जब तक कि आप देखोगे तब तक तो आप देख लिए होगे, जब ये डलेगा वीडियो में भी देख सकते हैं। हाँ वीडियो में देख सकते हैं आप मेरे को अच्छे से। बहुत अच्छा व्यू है यहाँ, कितना सुंदर व्यू है। ये छोटी छोटी गलियां, ये गलियां, ये चौपा, ये पहाड़, ये चौपा, यहाँ से आना ना दोबारा। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है भाई, गिर गए तो ये देखिए बाजू में जस्ट हमारे खाई है और मैं पहाड़ों की ऊंचाई पे, और हम लोग जहाँ रहते हैं मोस्टली वहाँ कुछ पहाड़ वहाड़ नहीं है, तो हाँ, हमें एक नया ही एक्सपीरियंस मिल रहा है। हाँ ये भी है। तो दोस्तों ये है डोंगा पत्थर, ये दो चट्टानों पे टिकी हुई है, एक बड़ा सा पत्थर देखो, पत्थर इसको बोलते हैं डोंगा पत्थर। यहाँ पे देखिए सिर्फ दो चट्टान इसको पूरा बैलेंस करके रखी हुई है, ये बड़े से पत्थर को हाइट नजब है एकदम। यहाँ पे श्री राम। अब चलिए चलते हैं आगे, अब इधर से नहीं है नीचे रास्ता, हमको इधर से जाना पड़ेगा। अब ये रोड मुर्रुम वाली हो गई है, ठीक है भाई। मैया को फोटो बना दिए, भग जाओ रनु पांडे। हाँ सॉफ्ट है थोड़ा, चेंज होते जा रहा जगह जगह, मस्त एकदम खुरदुरा था, फिर यहाँ थोड़ा रेतीला टाइप का, पूरा एडवेंचरस। और जहाँ वो पत्थर था ना वहाँ तो एकदम इतनी इतनी रेती टाइप, कितना बड़ा बड़ा, अच्छा अलग ही है। कहीं चट्टानों पे चढ़ने मिल रहा है, कहीं रेती रेती पे, कहीं गिट्टी पे, मजा आ जा रहा है। आज हमारे पैर को भी अलग अलग स्वाद चखने मिल रहा है। आए हाय मजा आ गया यार, अब जल्दी से पहुंचे, थोड़ा पेट पूजा भी कर लिया जाए। छोटू बीच में से कहां निकल गया, छोटू अपने ही चले पड़े हैं, अब भाग ही पड़ा है। तो आखिर वही रोड आ गए अपन जहां से चढ़े थे और जहां पे हमने चप्पल उतारे थे। अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, जो कि यहां पे है। बाबा बोल रहे हैं कि पिकनिक स्पॉट नवरात्रि में यहां पे लगता है भंडारा, जो कि माता का रहता है नवरात्रि में भंडारा, इसी तरफ लगता है वो, ऐसा बोला है बाबा ने। यहाँ पे पानी का टैंक भी है, हम हाथ भी धो सकते हैं। ऐसा नल तो मेरे घर में भी नहीं लगा, इतना अच्छा नल, इतना अच्छा नल मेरे घर में नहीं लगा, बताओ। यहाँ पे लगाए हैं, महंगा नल है भाई साहब, चालू कितना स्मूथ था। अब बस पेट पूजा करने का मन कर, क्योंकि भयंकर भूख लग रही है। अब इस सुंदर व्यू के साथ हम लोग खाएंगे खाना, तो चलिए खाते हैं खाना और गाते हैं गाना। मजा आ गया, इतने दिन तक मेरी तबीयत जो खराब थी उसका पूरा मजा इस बार हमने उठा लिया, क्योंकि अब हम लोग मस्त मस्ती करते हुए खाना खाएंगे और घूम भी बहुत रहे हैं हम लोग, मजा आ रहा है हमको। तो गाइस वीडियो बहुत ज्यादा ही लंबा हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो को यहीं पे एंड कर दिया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग को वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो कर देना सब्सक्राइब, और बहुत सारा प्यार देना हमारे
यूट्यूब फैमिली को। और गाइस अभी इस वीडियो में हम लोग आए थे महासमुंद से हम लोग आए थे फिर 20 किलोमीटर और आगे हल्लारी माता मंदिर, जो कि माता का मंदिर है। हमने दर्शन करने आए थे, माता का बुलावा हमें मिला था, क्यों ना हम सोचे कि हम आपको भी वहां ले चले अपने साथ। तो हर जगह हम लोग ऐसे ही आपको ले जाते रहते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग जगह हम लोग घूमते हैं। हमारे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, जिससे कि आपको बेल आइकन का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उसको फिर ऑल पर प्रेस करने के बाद आपको हमारी सारी वीडियो मिलते जाएगी। तो फटाफट से कर दो सब्सक्राइब, और इस वीडियो को हम लोग यही पे एंड करते हैं। धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए, गुड बाय, स्टे सेफ, प्लीज सब्सक्राइब करो और अपना प्यार बनाए पढ़ो।